iPhone 15 सीरीज जिस दिन से रिलीज हुई है एक दो चीजें हैं जो आप सबने सुनेंगी फोन गर्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं टच नहीं किया जा रहा है कई तो बोले मेरे तो हाथ जल गया और उसके अलावा दूसरा इश्यू आपने सुना होगा बैक जो है वो टूट जा रही है बहुत ही नाजुक फोन है सबसे बेकार फोन है अभी तक जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सबसे बेकार आईफोन से अभी तक के भाई हम तो नहीं लेने वाले तो आज एप्पल ने ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनको एड्रेस किया है कुछ चीजें कंफर्म की हैं कुछ फिक्सेस हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के सेकंड सेक्शन में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं देने वाला हूं तो सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग वाले इशू की तो एप्पल का आज फोब्स के साथ इंटरव्यू था जहां पे एप्पल ने कन्फर्म किया है कि जितने भी आईफोन फिफ्टीन सीरीज के अंदर इश्यूज आ रहे हैं वो टाइटेनियम की वजह से नहीं है और ना ही यहाँ पे आईफोन फिफ्टीन की इसमें कोई गलती है और एप्पल का ऐसा कहना है की जो हीटिंग है वो नॉर्मल रहती है शुरू के पांच छह दिनों में क्योंकि जब आप एक नए फोन को सेटअप करते हो या रिस्टोर करते हो डेटा तो वहां पे बैकग्राउंड में जो आईओ है इंडेक्स बना रहा होता है फोटोज वगैरह सारी चीजों का थोड़ी सी हीटिंग उसकी वजह से होती है नॉर्मल सी बट यहाँ पे क्योंकि ओवर हीट हो रहा है तो एप्पल ने इसको कंफर्म किया है कि यहाँ पे जो आईओ एस सेवनटीन है उसके अंदर एक बग को एप्पल ने रिकॉग्नाइज किया है वो जो बग है वो कर क्या रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ एप्स जो हैं उनको ओवरलोड करने दे रहा है आईफोन के सीपीयू को जिसकी वजह से आपको ये हीटिंग देखने को मिल रही है और एप्पल ने यहाँ पे कुछ ऐप्स भी बताई हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है जैसा मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी बताया था इंस्टाग्राम एक ऐप है उसके अलावा उबर है और उसके अलावा है ऑस्फॉर्ड नाइन जो गेम है बहुत ही फेमस मेरे हर रिव्यू में होता है तो ये जो तीन एप्स हैं एप्पल ने कहा है इनके अंदर सबसे ज्यादा ये इशू आ रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए एप्पल आईओ एस का अपडेट लेके आने वाला है इस वीक के अंदर मंडे या ट्यूजडे को रात को साढ़े बजे इंडिया टाइम की मैं बात कर रहा हूँ ये अपडेट आप सबको मिल जाएगा जितनों के पास भी आईफोन फिफ्टीन सीरीज का फोन है और उसके बाद ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ओवर वाली वो सारी हो जाएंगी सॉल्व तो यहाँ पे एप्पल ने दो चीजें क्लियर कर दी है कि पहला अपडेट आ रहा है और दूसरा ये जो भी हो रहा है ये फोन की वजह से नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर जो है आई ओ एस उसके अंदर यह बग है और आई ओ एस जब काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल किया था तो उनको इश्यूज आ रहे थे ये हम सबको पता है तो फाइनली एप्पल ने एड्रेस किया है और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने वाले हैं सॉल्व so, तो जितने भी लोग आई 15 लेने का सोच रहे थे और हीटिंग की वजह से हट रहे थे तो उनके लिए गुड न्यूज़ है और दूसरी चीज मेरे पास ये तीन फोन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ और तीनों के अंदर टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी हीटिंग का इशू नहीं आया मैं तो बहुत मजे से यूज कर रहा हूँ आज एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया लास्ट फ्राइडे आए थे आज सैटरडे है यहाँ पे इंडिया में अभी संडे मॉर्निंग हो चुकी है तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया मुझे कोई भी ड्यूरेबिलिटी का इशू नहीं आया अभी तक मैं फोन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है कुछ नहीं है इसके ऊपर मैंने केस लगाया हुआ बट जो मेरा 15 ऊपर कोई भी केस नहीं है मैं इसको बिना केस के यूज कर रहा हूँ बहुत ही मजे से जो फोन है चल रहा है और अब आपके आंसर देता हूं जो आपने मेरे से पूछे थे इंस्टाग्राम के ऊपर बट उससे पहले वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है साउंड कोड लिबर्टी फॉर एनसी मेरे पास है यहाँ पे लाइट ब्लू कलर इसके अलावा चार कलर ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट सा केस है और स्टेम वाला डिजाइन हमें मिल रहा है तो देखने में जितने कमाल है उतना ही अच्छा फिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो जिम में रनिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगे म्यूजिक क्वालिटी मिल रही है यहाँ पे बहुत ही कमाल की 11 एम mm एम के ड्राइवर्स है बेटर साउंड एक्सपीरियंस के लिए और बेस जो है वो बहुत ही तगड़ी है और अगर आप और भी ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे एंकर की आपको ऐप भी मिल जाएगी म्यूजिक के साथ साथ ही ए एनसी यहाँ पे आपको टॉप क्लास मिल जाएगी एयरपोर्ड्स लेवल की और वो भी हंड्रेड डॉलर से कम में और यहाँ पे इस बार जो डिजाइन है वो भी एयरपड्स जैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा स्टेम वाला तो बहुत ही कंफर्टेबल है फिट आप देख चुके हो कॉल क्वालिटी भी यहाँ पे आपको मक्खन मिलने वाली है चाहे ए एनसी मोड हो चाहे ट्रांसपेरेंसी हो म्यूजिक सारी चीजें आपको मिल रही है लिबर्टी फॉर एनसी में बहुत ही कमाल टेन आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिल रही है सिंगल चार्ज में और फिफ्टी आवर्स की एस के साथ तो अगर आप मार्केट में और लेने का सोच रहे तो डेफिनेटली चेक करो साउंड लिबर्टी फॉर एनसी अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफी स्टोरीज भी मैंने लगाई थी बट यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी बात कर लेते हैं एक कॉमन क्वेश्चन था कि भाई मैं अपग्रेड करूं या ना करूं मेरे पास आई फोन है तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ आईफोन फोर्टीन से नीचे का जितना भी फोन है तेरह बारह ग्यारह दस आपके पास कोई भी फोन है अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो आंखें बंद कर, कर आप लोग अपग्रेड कर सकते हो आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे मिलने वाले छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है इस बार बहुत ज्यादा है एंड अभी तक का मेरा फेवरेट आईफोन है आई फोन फिफ्टीन सीरीज और अगर आप कंफ्यूज भी हो आई फोन थर्टी फोर्टीन फिफ्टीन के अंदर तो लो मैं आपको कह रहा हूँ सबसे बेस्ट आईफोन है बहुत छोटी छोटी चीजें पे ऐड हो हो रही हैं और और अगर आप 14 प्रो और 15 के बीच में कंफ्यूज तो भी आप 15 ही लो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था इसके अलावा यहां पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा था अपग्रेड के बारे में ही वॉचेस को लेकर कि मैं कौन सी वाली वॉच लू अगर आपके पास सीरीज फाइव से नीचे वाली कोई भी वॉच है तो आप सीरीज नाइन के ऊपर जा सकते हो और अगर आपको सीरीज सेवन या सीरीज एट के ऊपर कोई डील मिल रही है तो आप वो दोनों वॉचेस भी ले सकते हो परफेक्ट वॉचेस है कोई भी ज्यादा बड़ा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आपको पहली बार एक वॉच लेनी है और आप सीरीज नाइन लेने का सोचे तो परफेक्ट वॉच रहेगी बट अगर ऑलरेडी आपके पास सीरीज सिक्स सेवन एट है तो आपको नाइन नहीं लेनी चाहिए और अगर आपको अल्ट्रा टू लेनी है और आपके पास अल्ट्रा वन है तो वो भी आपको नहीं लेना है उसको भी आपको कर देना है स्किप बैटरी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आईफोन 15 सीरीज की तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको साइजेस दिख रहे हैं नए आईफोन 15 सीरीज की बैटरी के और यहाँ पे साइज चाहे थोड़ा सा बड़ा है बट जो बैटरी लाइफ है वो बिल्कुल सेम आपको मिल रही है जो आईफोन फोर्टीन सीरीज के अंदर देखने को मिलती थी, थी तो अगर आप फिफ्टीन प्रो मैक्स ले रहे हो आराम से आपका एक दिन निकल जाता है बहुत ही मजेदार बैटरी है और मेरे किसी भी फोन में कोई भी बैटरी का इशू नहीं आ रहा मैंने नबील भाई से भी कंफर्म किया उनके पास भी जितनी यूनिट्स हैं कहीं पे भी कोई हीटिंग का इशू नहीं आ रहा है ड्यूरेबल है फोन्स यहाँ पे एक रीजन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो बैक ग्लास है इसके पीछे एक मेटल प्लेट रहती थी उसको एप्पल ने हटा के बॉडी के साथ चिपका दिया पहले ग्लास के पीछे होती थी वो इसलिए किया है क्योंकि जब वो पहले मेटल प्लेट मिलती थी 14 सीरीज में तो जो रिपेयर हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी अब रिपेयर का जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए एप्पल ने ये स्टेप उठाया है तो वहां पे डेफिनेटली ये जो ग्लास है वीकर है पहले के कंपेरिजन में बट ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे करोगे और ये टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बट अगर हाँ आप इसको दबाओगे ऐसे करके और तोड़ने का ट्राई करोगे तो मे भी टूट जाए मैं तो नहीं ट्राई करने वाला मैं इतना रिच नहीं हूँ बट डेफिनेटली ड्यूरेबल है और सब लोग आप केस के साथ ही यूज करने वाले तो आपको वरी नहीं करनी है जितने भी लोग अपग्रेड करने का सोच रहे हैं आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं मेरी तरफ से थम्स अप है आप सबके लिए अपग्रेड करो आंखें बंद कर करो बहुत ही कमाल का फोन है और अगर आपके पास चौदह प्रो मैक्स है पंद्रह प्रो मैक्स लेने का सोच रहे हो तो बहुत सारे फर्क है वहाँ पे वाई फाई सिक्स मेरे लिए बहुत बड़ी डील है उसके अलावा यहाँ पे अब आपको कॉन्सोल लेवल के जो गेम्स हैं वो आईफोन में मिल जाएंगे कैमरास बेस्ट है बेस्ट वीडियोस में, में। मेरी ब्लॉग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो तो फोर्टीन प्रो मैक्स से भी फिफ्टी प्रो पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो आज वैसे मैं डिफरेंस वाली वीडियो बनाने वाला था बट एप्पल का कंफर्मेशन आगे इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और चार्जिंग को लेके भी काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो यहाँ पे आप 30 वॉट वाला जो अडेप्टर है उनको अपने आईफोन 15 सीरीज के साथ यूज कर सकते हो 27 वॉट ही ये वाले फोन सपोर्ट करते हैं बट स्टिल 30 वॉट जो है वो आपको फुल पावर देने वाला है तो ट्वेंटी या थर्डी वर्ड दोनों ही ओके okay, बट मैं थर्डी वर्ड आपको सजेस्ट करूंगा और मैक कर हो तो और भी बेटर है केसेस केसेस की बात हो रही थी जो एप्पल के क्लियर आते हैं लोग बोल रहे हैं कि वो ले या ना ले। रुपीस का है मैं आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि येलो वो भी पड़ जाता है अगर आपको एक ऐसा फोन केस चाहिए जो येलो ना पड़े तो मुझे नहीं पता कौन सा केस होगा बट डी ब्रांड का अभी जो नया केस आया वो लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर येलो नहीं होगा तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो मैंने खुद ट्राई नहीं किया अभी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मैं जो केसेस यूज करता हूँ अगर मैं उनकी बात करूं इस साल मैंने ट्राई किया है एप्पल का सिलिकॉन केस यूज करने का ये बहुत ही प्यारा लगता है ये क्ले कलर है इसका प्राइस भी फोर्टी नाइन हंड्रेड है बट अगर आपको क्लियर केस चाहिए तो एप्पल का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वीडियो मैं बहुत भी लंबी कर सकता हूं सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं बट आई थिंक जो मेन मेन थे वो मैंने कवर किए हैं और अगर आप ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते तो इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो मेरी आईडी है आई एम है वहां पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय